रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से करेंगे और विदेशी बाजार के संकेत बिल्कुल कमजोर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी देखिए 12,228 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार में भी बिकवाली का दबाव। कारण, इसका सबसे बड़ा कारण फिलहाल कच्चा तेल। क्रूड में जो एक बड़ी खबर आती हुई दिखी शुक्रवार के दिन से ही एकाएक, आपको बता दें अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर की मौत के बाद यहां पर कच्चे तेल में उबाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और करंट लेवल्स पर अगर देखें तो यहां पर क्रूड में उछाल के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। शुरुआत से लेकर शुक्रवार से अब तक क्रूड में क्या हलचल मची है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं। पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ है जो कि खबरों वाले शेयर्स बताएंगी। शुरुआत दीपांशु आपसे, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को ये जो खबर आई तब से लेकर अब तक क्रूड में क्या हलचल मची है ये जरा समझाएं। काफ़ी हलचल मची हुई है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय कच्चे तेल के दाम तकरीबन $64 के आसपास है WTI, वहीं $70 तक पहुंच चुका है ब्रेंट। तब से अब तक, शुक्रवार से अब तक तकरीबन 5-5.5% का उबाल ज़रूर देखने को मिला है कच्चे तेल के दामों में। और काफ़ी सारी ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले दो दिन में जिसकी वजह से मार्केट्स में आगे जाकर भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने गिरावट देखी है। ईरान ने कहा है कि अब वो सुलेमानी की मौत का अमेरिका को करारा जवाब देंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2015 में न्यूक्लियर डील के तहत उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस को अग्री किया था अब वो भी उन्हें नहीं फॉलो करेंगी, तो वहाँ से टेंशन ज़रूर आ रही है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ईरान को कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके चलते चलते वो अमेरिका की किसी भी इंस्टॉलेशन को अटैक करें। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे 52 इंस्टॉलेशंस उनकी नज़र में है ईरान की जहाँ पर वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं दोनों देशों की तरफ से। देखना पड़ेगा कि आगे जाकर क्या एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा इराक में भी काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। इराक ने भी इस किलिंग का कंडेमनेशन किया है। इसके अलावा उन्होंने, उनकी सांसद ने एक प्रस्ताव पार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे अमेरिकी ट्रूप्स इराक को छोड़ दें। इसके रिस्पॉन्स में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इराक पर काफ़ी कड़ी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है और कहा है कि ऐसी प्रतिबंध हिस्ट्री में कभी नहीं लगाई गई होंगी। तो उन्होंने एक इराक को वार्निंग दी है और ईरान के साथ तो उनका तनाव चल ही रहा है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बड़ा उबाल आया है। बिल्कुल। और अब विदेशी बाजार के संकेत जरा समझाएं। विदेशी बाजारों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इतना बुरे संकेत नहीं आ रहे हैं जहां तक SGX निफ्टी का सवाल है। 1/4% की गिरावट है, तकरीबन 30 अंक की। निके की बात करें तो वहां पे 400 अंक से ज्यादा की गिरावट है। पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पिछले सोमवार के बाद अब जापानी बाजार खुले हैं तो 4 दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं तो ज्यादा एडजस्टमेंट वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। पर हां, वो जो सेफ हेवन एसेट्स जिन्हें कहते हैं मानसी, वहां पर हमें एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। तो जो जापान की करेंसी है येन, वो अपने 2 महीने के उच्च स्तर पर है। हमने देखा है कि सोने के दाम अपने 6 साल के उच्च स्तर पर हैं इस समय। और इसके अलावा जो अमेरिकी यील्ड है उसमें भी हमने गिरावट देखने को देखी है। डाउ में तकरीबन 235 अंक की गिरावट थी शुक्रवार के सत्र में, तकरीबन 0.8% की गिरावट थी सारी अमेरिकी मार्केट्स में। पर अपने निचले स्तर से 125 अंक की रिकवरी जरूर देखी थी डाउ के मुताबिक। यूरोपियन बाजार में ज़्यादातर मिले जुले संकेत आए थे, वहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली सिवाय जर्मनी के। और रुपये में भी 40 पैसे से ज़्यादा की गिरावट थी, तो वहाँ से थोड़े कंसर्न आ रहे हैं। बट सबसे बड़ा एक्शन जरूर मानसी क्रूड पर ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा एक्शन कह सकते क्रूड, सबसे बड़ी खबर क्रूड, और उसी की वजह से तमाम विदेशी बाजार कमोडिटीज कह लीजिए हर जगह इसका असर पड़ता हुआ, करेंसी पर भी इसका असर पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम विदेशी बाजार जो है बिकवाली का दबाव क्रूड के चलते देख ही रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इसी की वजह से जब भी खबर शुक्रवार को आई तभी रुपया भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग के दरमियान भी कमजोरी के साथ ही इसमें क्लोजिंग होती हुई हमने देखी। और इसी खबर के चलते बुलियन मार्केट में सोने चांदी के दाम में एक बढ़त का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FISDIS का एक्शन जरा देख लेते हैं। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 1263 करोड़ की खरीदारी है, वहीं कैश मार्केट में DIIs यानी कि घरेलू निवेशक 1030 करोड़ तक की बिकवाली कर रहे हैं। और अगर वायदा बाजार की बात करें FIIs की तरफ से 444 करोड़ की खरीदारी। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में विदेशी निवेशक की तरफ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से।
अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं और क्रूड यहां पर उबाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसे कैसे समझें और भारतीय बाजार के लिए क्या रणनीति अपनानी होगी? बेस्ट चलना चाहिए, हल्का करना चाहिए, तेजी की पोजिशन अगर आपकी है तो, और फ्रेश खरीदारी आपने की वक्त करनी है। अब निफ्टी जब 12,300 पार करे, जब तक 12,300 निफ्टी पार नहीं करता तब तक ये हल्के रहने का वक्त है, शॉर्ट करने का वक्त है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सेल ऑन राइज का वक्त है। तो अब ये देखें कि ग्लोबल टेंशन जो चल रही है ये कब कैसे किस तरह से सेटल होती है, और जब तक नहीं होती तब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ऊपर में लेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्रेसिव खरीदारी करने से परहेज करना चाहिए पहली बात। अब अगला 12,150 ये 50 पॉइंट की रेंज 12,150 ये अच्छा मजबूत सपोर्ट जो है जो आज के लिए टूटना चाहिए, आज के लिए सपोर्ट का भी यही काम करेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है, 12,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करना जाए एक दो दिनों में, तो फिर बाजार के लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला होगा। आपका ट्रेंड भी जो है पॉजिटिव से आपका न्यूट्रल हो जाए और उसके बाद थोड़ी नीचे की रिस्क खुल जाएगी। तो 12,100 के ऊपर जब तक क्लोज हो रहे हैं या बने हुए तब तक तो बहुत दिक्कत नहीं है, सावधानी वाली बात है। 12,100 के नीचे थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। ऊपरी स्तरों पर 12,200 परफेक्ट रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए अगर बाजार आपको मौका देता है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 32,000 निर्णायक लेवल है, 21,950 ये लेवल टूटते ही नीचे के लिए 250-300 पॉइंट की रेंज खुल जाती है। अब अगला अहम सपोर्ट आपका 31,700-31,800 की रेंज में बनेगा। अब 32,200-32,350 ये रेंज ऊपर की तरफ है जहाँ पर आता है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, तेजी की पोजिशन शॉर्ट भी करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पूरी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे तो वो बेहतर है। अभी बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो जगह थोड़ी करेक्शन की है भी, जल्दबाजी ना करें खरीदारी की। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर्स आज के लिए कौन से अहम होंगे? देखिए तेल कंपनियां ये कमजोर रहेगी, जिस तरह से कच्चा तेल 70 के करीब हो गया और पूरी संभावना है कि आज रुपया और कमजोर होगा, बेहतर के नीचे ही खुलेगा, तो तेल के और रुपया ये दोनों ही मिलकर तेल कंपनियों को गिराने वाले हैं, यहाँ पर दबाव रहेगा। ग्लोबल टेंशन चलते मेटल शेयरों पर दबाव रहेगा जो अच्छी तेजी दिखा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है इन शेयरों में अच्छी खासी तेजी बनी है, मुनाफे में भी है, तो वहां पर प्रोविजन हल्की करने की कोशिश करेंगे। ये एक और सेक्टर होगा। बैंक आपने देखा शुक्रवार को कि निफ्टी ने फिर भी हल्की रिकवरी के संकेत दिए ही है, और इतनी कमजोरी आपने निफ्टी और सेक्टर में नहीं देखी, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी कमजोर रहा। मुझे लगता है बैंक और कमजोर हो सकते हैं, तो ये तीन सेक्टर हैं जहाँ पर आपको मंदी की तरफ ध्यान रखना है। जी बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको सावधानी आज के दिन में बरतनी है, ट्रेडिंग रेंज पर आप ध्यान रखिए, आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाकर चले। राय अनिल जी की तरफ से 12,100 से 12,150 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 12,100 के नीचे अगर ट्रेड होता हुआ आप देखते हैं तो फिर तनाव का माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन इन रेंज में अगर ट्रेड होता हुआ दिखता है तो फिर सावधानी के साथ आपको सिर्फ रिव्यू कीजिए, हमारे साथ बने रहें। ट्रेडिंग रेंज किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, आप फिर कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, अनिल जी फिर से आपको बताते रहेंगे, लेकिन साथ ही 12,250 से 12,300 इस रेंज को ध्यान में रखिए, यहां पर बिकवाली की रेंज बनती हुई आप देख पाएंगे, सेल कॉल की राय यहां पर आती हुई देख सकते हैं। 31,700 से 31,800 बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 32,200 से 32,350 इस ट्रेडिंग रेंज को ध्यान में रखें, यहां पर बिकवाली की रेंज बनती हुई दिख सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि क्रूड में जो तनाव की स्थिति है सीधा असर तेल कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख सकता है, तेल कंपनियों में नेगेटिव नजरिया बनता हुआ, और साथ ही मेटल शेयर्स पर भी ग्लोबल बाजार से जो संकेत आ रहे उसी की वजह से एक नेगेटिव आउटलुक बनता हुआ आप देख सकते हैं, और बैंक्स पर भी ध्यान रखें, यहां पर भी आज कमजोरी की पूरी गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। अब सीधा पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत पहले आज के ट्रिगर से करते हैं। आज टाटा मिस्ट्री केस के लिए भी अहम दिन है, काफी सारे अपडेट इससे जुड़े निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि टाटा मिस्ट्री मामले में एनसीएलटी का फैसला आज संभव हो सकता है, शुक्रवार को एनसीएलटी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और इस पर कुछ बयान भी आए हैं। सारिस मिस्त्री का कहना है कि टाटा सन्स और दूसरी कंपनियों का चेयरमैन बनने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करेंगे, टाटा सन्स में बोर्ड में सीट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इस तरह के बयान उनकी तरफ से निकल कर आ रहे हैं आज के फैसले के पहले, तो इस पूरे मामले पर नजर रहेगी। इसके अलावा ओएमओ का आज तीसरा चरण भी खुलेगा और आरबीआई आज
10,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद सकता है इस ओएमओ के जरिए, जिसके चलते आप बैंक्स पर नजर रखिए। बजाज इलेक्ट्रिकल की भी आज बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं आईटीआई की, यहां पर आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं तो इस पर भी नजर रखिए। खबरों में अदानी पोर्ट्स आज एक्शन में दिख सकता है। कृष्णपट्टनम पोर्ट का करीब 75% हिस्सा खरीदेगी कंपनी। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कंपनी की तरफ से और ये जो डील है ये 13,1500 करोड़ में होते हुए दिखाई देगी। सोभा पर भी नजर रखिए, क्वार्टर थ्री बिक्री के एक अपडेट आया है और यहाँ पर बिक्री में 4% बढ़कर 726 करोड़ का ये आंकड़ा आया है और पिछले 3 तिमाही में ये पहली बार बढ़त देखी गई है। वॉल्यूम्स में भी इस बार करीब 17% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है, तो इसके चलते आज सोभा पर भी नजर रखिए। टाइटन के भी क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट आए हैं जिसमें कि ज्वेलरी सेगमेंट में तो जो प्रदर्शन है वो अनुमान के मुताबिक ही रहा है। आय में 11% की ग्रोथ देखी गई है और रिटेल बिक्री में करीब 15% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन इनके जो बाकी सेगमेंट है, वॉच है, आई वेयर सेगमेंट है, वहां पर हल्की फ्लैट ग्रोथ ही इस बार देखी गई है। टाटा मोटर्स ने अपने दिसंबर बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं यूएस JLR के, जिसमें कि इस बार जो आंकड़े आए हैं वहां पर हल्की कमी देखी गई है, लेकिन अगर यूएस में इस जो आंकड़े आए उसकी बात करें तो इस बार रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने रिकॉर्ड की है 2018 के मुकाबले, तो आज टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। फोर्स मोटर्स ने भी अपने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कि इस बार बढ़त देखी गई है और अनुमान से अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। 2112 यूनिट से बढ़कर इस बार जो नंबर्स आए हैं बिक्री के वो 2747 यूनिट कंपनी ने बेची है, तो आज इस पर भी नजर रखिए। बायोकॉन ट्रू नॉर्थ ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स की 3% हिस्सेदारी खरीद ली है और 700 करोड़ भी निवेश किया। ये पहला चरण है उनके निवेश का। 2020 में माना जा रहा है कि और भी बड़े निवेश की कंपनी योजना ट्रू नॉर्थ योजना बना रही है, तो इसके चलते बायोकॉन आज फोकस में रहेगा। HDFC पर भी नजर रखिए, 7 जनवरी को कंपनी बड़ी रकम जुटा सकती है। करीब 5 साल के बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है HDFC की। और डिशमैन कार्बोजेन 16 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, शेयरधारकों की बैठक हुई थी शुक्रवार को जिसमें कि करीब $3 बिलियन जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है, तो आज भारतीय एयरटेल भी फोकस में रहेगा। ओके पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। शुरुआत निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से करेंगे। 2 ट्रेडिंग कॉल्स इनकी तरफ से आई है, दोनों ही बिकवाली की तरफ इशारा कर रहे हैं। एशियन पेंट्स बिकवाली की रणनीति इनकी तरफ से आती हुई 1710 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1770 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। ब्रिटानिया में भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय आती हुई दिख रही है। निर्मल बैंक का मानना है कि यहां पर 2980 के लक्ष्य आप देख पाएंगे, 3075 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, बिकवाली कीजिएगा। और साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहां पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 315 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 302 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में जॉइंट रे कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर ने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए 2 शेयर्स सुझाए हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो 2 शेयर्स। हेवल्स ने काफी अच्छी मूव दिखाई और करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो यू नो इंट्राडे का टारगेट बनता है वो करीबन 678 है और यहाँ पे स्टॉप लॉस 650 का रखना चाहिए। आईटी स्पेस में HCL टेक पसंद है, हमको लग रहा है कि आईटी में जिस प्रकार का बेनिफिट रूपी डेप्रिसिएशन से आएगा तो ये डेफिनेटली अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो HCL टेक में जो टारगेट है वो 630 का रहेगा हफ्ते भर का और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 565। और आपको बता दें बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। तो कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना न भूलें। और आज जब बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के निलेश जैन। निलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ग्लोबल बाजार के संकेत जैसे कि हम देख रहे हैं कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन्हें कैसे देखा जाए आज के लिए पहली रणनीति, आप क्या बताएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी। फ्राइडे के सेशन में हमने एक गिरावट देखते हुए हमको देखने को मिली थी ग्लोबल वीकनेस, और मेरा ये मानना है कि गिरावट और गहरा सकती है आज के सेशन में और गोइंग फॉरवर्ड अगर 300 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वहां से हमको मल्टीपल टाइम्स
प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखने को मिला था। मेरा ये मानना है कि जब तक 12,300 ऊपरी स्तरों का लेवल ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक बाजार में खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए और हाई लेवल पे एक बार सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 12,200 का लेवल जो कि काफी पॉसिबिलिटी है कि आज के सेशन में ब्रेक होगा, जैसे ही वो ब्रेक होता है डाउन साइड में 100 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी। 12,100 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा, अगर वो होल्ड करता है तो हमको इस बैक बीच में देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे मेरा मानना है कि अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली एक बिग वाली करने की सलाह होगी। 12,280 का स्टॉप लॉस होगा और 12,120 का इमीडिएट टारगेट के लिए निफ्टी में एक बार एक स्टॉक की रणनीति अपनानी चाहिए। वही बैंक निफ्टी में भी देखिए तो एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में क्लोज आते हुए हमको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। 31,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो 31,600 तक के लेवल बैंक निफ्टी में भी डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, तो बिकवाली की रणनीति इंडेक्स पर फिलहाल, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक निलेश कहाँ पर राय देंगे आज आप? बिल्कुल, एक खरीदारी और एक टाइटनिंग में इसके लिए स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पिछले दो सेशन में हमने आते हुए देखने को मिला है, साथ ही स्टॉक बिल्डअप भी आते हुए देखने को मिला है। स्टॉप लॉस होगा 1160 का और डाउन साइड में इमीडिएट टारगेट होंगे 1110 का। और एक कॉन्ट्रा कॉल होगा बाय बायोकॉन में, जिसके अंदर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है। स्टॉप लॉस होगा 290 का और अपसाइड में टारगेट होंगे 310 के। निलेश शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा बात करते हैं एफआईआर की, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। हमारे इस खास सेगमेंट एफआईआर में हम आपको बताते हैं ब्रोकरेज हाउस की नजर किन शेयर्स पर है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि शर्मा। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज शुरुआत करते हैं मदानी पोर्ट्स से। काफी बड़ा अधिग्रहण किया है कंपनी ने। सीएलएसए के मुताबिक अब तक ये पोर्ट्स में सबसे बड़ा अधिग्रहण है और काफी बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अधिग्रहण किया गया है। आने वाले समय में इससे नतीजों में काफी सुधार देखने को मिलेगा, पर मानने वाली बात यह है कि पूर्वी भारत में इससे कंपनी की काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है इस पे और लक्ष्य 485 के दिए हैं, और वहीं मॉर्गन स्टैनली भी इस पे ओवरवेट है और उन्होंने लक्ष्य 433 के दिए हैं। इसके अलावा नजर डालते हैं हम एलएनटी पे, जहां पे आज यूबीएस का एक अपग्रेड आया है। इन्होंने एक रेटिंग अपग्रेड दिया है। पहले वो बिकवाली की राय दे रहे थे, पर अब इस पे उन्होंने अपनी राय बदली है और खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 1401 से बढ़ा के उन्होंने 1600 के दिए हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो मैक्रोज में बदलाव हो रहे हैं इससे कंपनी को काफी फायदा होता हुआ देखने की उम्मीद है। यूबीएस की आज पीवीआर पे भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है और लक्ष्य 1950 से बढ़ाकर उन्होंने 2250 के कर दिए हैं। आने वाले समय में एक स्क्रीन में अच्छी खासी बढ़त के वो अनुमान लगा रहे हैं और साथ ही जो टिकट के प्राइस है वहां पे भी एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और आखिरी में आज फार्मा सेक्टर पे मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, जिसपे उन्होंने काफी सारी कंपनीज पे पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, पर लार्ज कैप में उनको दो स्टॉक्स पसंद है। उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज पे आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 3075 के दिए हैं और सिप्ला पे भी वो आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 576 के टारगेट्स दे रहे हैं। और अगर वहीं मिच कैप्स की बात करें तो वहां पे भी उन्हें दो स्टॉक्स पसंद है। जुबिलेंट लाइफ पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 780 के टारगेट्स और स्ट्राइड्स फार्मा पे भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ मौजूदा प्राइस से 40% ज्यादा के टारगेट्स 525 के। ओके, सृष्टि शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कमोडिटी बाजार के लिए आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज सबसे पहले क्रूड पर ही बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति है, इसका असर क्रूड पर हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो उबाल है और ज्यादा कितना बढ़ सकता है? जी नमस्कार मंत्री जी। देखिए, डेफिनेटली अगर एक्चुअली ईरान ने रिटेलिएट किया है, जो अब तक हुआ नहीं है बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये जो है इश्यू काफी बढ़ सकता है। तो उससे क्रूड हो सकता है कि WTI क्रूड खास करके $70 के करीब चला जाए, जो डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज टू 5000 लेवल्स भी हो सकते हैं। तो अभी भी डर बना हुआ है, इसलिए जो स्ट्रेटेजी है वो बाय ऑन डिप्स का ही रखना चाहिए और अभी भी काफी अपसाइड हो सकता है अगर ये इश्यू एस्केलेट होता है तो। और साथ ही सोने चांदी की चाल अगर समझे तो यहाँ पर
क्रूड में जो बाल है इसी का असर सोने चांदी पर हम पड़ता हुआ देख रहे हैं और इनफैक्ट एक पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से और ज्यादा कितनी तेजी की गुंजाइश है? आई थिंक देखिए शॉर्ट टर्म तो 40,500 तक हो सकता है कि आज के दिन में ही दिख जाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन गेट लेवल्स क्लोज टू 41,500 टू 42,000 ऑल्सो, मतलब कि $1,610 तक गोल्ड जा सकता है ऑन द होल अपसाइड में, तो अभी भी काफी इसमें अपसाइड दिख रहा है पोजिशनली. बिल्कुल, और चांदी में आप क्या स्ट्रेटजी सुझा रहे हैं, खरीदारी किन लेवल्स पर करनी चाहिए? जी आई थिंक जहाँ मार्केट क्लोज हुआ था लगभग वही मिल जाता है तो बाय किया सकता है. इमीडिएट टारगेट 48,000 का होगा, लेकिन इवेंचुअली हम लगभग 50,000 के लेवल देख पाएंगे, यानी क्लोज टू $19 के लेवल जो है स्पॉट में देख सकेंगे. बिल्कुल, और साथ ही एक बार करेंसी पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे क्योंकि शुक्रवार के दिन हमने देखा डॉलर के मुकाबले रुपये में 42 पैसे तक की कमजोरी देखने को मिली, 72 रुपये के करीब ये बंद होता हुआ दिखा है. आज के लिए करेंसी रुपए की ओपनिंग काफी अहम हो जाती है, आप किस लेवल को अहम समझते हैं? जी आई थिंक डेज लो पे रुपया उस दिन लगभग क्लोज दिया था, तो हो सकता है कि इंट्राडे में थोड़ा रिलीफ मिले पहले, बट 7180 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यूएसडी एनआर के लिए. अगर वो नहीं तोड़ पाता तो हम देखेंगे कि दोबारा 7220 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है. बिल्कुल अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो यहाँ पर आज कमोडिटी बाजार में आउटलुक कैसा बनता है देखना काफी जरूरी, काफी अहम और काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि क्रूड में उबाल है. स्थिति को देखते हुए भी अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी अगर देखें तो बाय कॉल की एक्सपोर्ट की तरफ से आती हुई दिख रही है. 4,580 के टारगेट ध्यान में रखें, 4,480 के लेवल्स पर इसे खरीदा जा सकता है 4,430 तक के स्टॉप लॉस के साथ. सोने चांदी में चमक बढ़ती हुई दिखी और यहां से भी अब और ज्यादा तेजी की गुंजाइश, 40,000 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा. 40,400 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 39,850 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा. चांदी में खरीदारी 48,000 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 47,300 के लेवल्स पर इसे खरीदें, 46,900 का एक स्टॉप लॉस. और करेंसी जैसे कि हम देख रहे हैं शुक्रवार के दिन से ही कमजोरी आती हुई दिख रही, इनफैक्ट कमजोर थी भी और कमजोरी और ज्यादा बढ़ी जैसे ही क्रूड की टेंशन आई. आज के दिन करेंसी किन लेवल्स पर ट्रेड करती है, ओपनिंग कहां पर होती है देखना काफी जरूरी हो जाता है. और इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत.